वेल वी आर स्टडिंग द कोर्स लेबर पॉलिसी पाकिस्तान एंड एन दिस वेरी सेशन डियर स्टूडेंट वी आर गोइंग टू एड्रेस द क्वेस्टन वाई स्टेट इज क्रिएटेड मैं और आप सब लोग स्टेट में रहते हैं और यहां पर सबसे ज्यादा जो आपको जिस बात से आप ज्यादा मिलते होंगे वो रूल ऑफ लॉ है कि हर शख्स जो है वो कानून के ताबे है कितनी बड़ी बात है और फैमिली लाइफ जो है ये सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है इसको बहुत प्रमोट करता है स्टेट तो यहां पर क्वेश्चन के स्टेट क्यों क्रिएट की जाती है इसका जवाब देना बड़ा जरूरी है स्टेट इज क्रिएटेड टू सेटिस्फाई द डिजायर ऑफ बींग शेल्टर्ड एंड हैव हार्मनी ऑर्डर एंड प्रोग्रेस इन लाइफ शेल्टर्ड वट इज मेंट बाय दिस शेल्टर्ड कि हम सब एक दूसरे का ध्यान रखें क्या यह मतलब है यहां पर शेल्टर्ड या हमारे पास छत होनी चाहिए यहां पर यह जो लफ्ज है ये एक ब्रॉडर्ड मानी में इस्तेमाल हो रहा है इसका मतलब है प्रोटेक्टेड और कोजी इसका मतलब ये है कि हम नेचुरल स्टेट से बाहर आना चाह रहे हैं और एक स्टेट में इकट्ठे होकर बड़ी प्रोटेक्टेड लाइफ गुजारना चाहते हैं प्रोटेक्टेड से क्या मुराद है मुराद यही है कि जो जरूरियात जिंदगी है वो अवेलेबल हो पीस हो सोशबिलिटी हो सोशल जस्टिस हो फेयरनेस हो राइट्स अवेलेबल हो तो यहां पर स्टेट इज क्रिएटेड टू सेटिस्फाई द डिजायर ऑफ बीइंग शेल्टर्ड एंड हैव हारमनी व्हाट इज हारमनी आप लोग एक दूसरे के साथ इस तरह अटैच हैं कि लड़ाई झगड़ा नहीं है पीस है अमन है और लोग हाईएस्ट गुड के लिए यानी वर्चू की तलाश में निकलते हैं व्हाट इज वर्चू जब आप पर्पस ऑफ लाइफ डिटरमिन कर लेते हैं तो वो आपका वर्चू बन जाता है इसके बाद जो लफ्ज इस्तेमाल होता है एंड हैव ऑर्डर ऑर्डर से क्या मुराद है डिसिप्लिन एक रेगुलेटेड लाइफ जिसमें इरिटेशन ना हो जिसमें प्रोग्रेशन हो जिसमें डेवलपमेंट हो जिसमें ग्रोथ हो उसकी तरफ लोग जाना चाहते हैं एक्सप्लोर करना चाहते हैं एंड प्रोग्रेस इन लाइफ यहां पर आप देखेंगे कि शेल्टर्ड का लफ्ज है और उसके साथ उसके मीनिंग्स हैं, इसका मतलब है प्रोटेक्टेड हारमोनी से मराद एग्रीमेंट और सिंक्रोनाइजेशन कितना खूबसूरत लफ्ज़ है कि हार्मनी से मुराद है सिंक्रोनाइजेशन के सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के ऐसे चलें कि एक जो पर्पज ऑफ लाइफ है वो अचीव हो जाए ऑर्डर का लफ्ज यहां पर जो है वो बता रहा है अरेंजमेंट और कमांड और कंट्रोल प्रोग्रेस से मुराद है एडवांसमेंट और ग्रोथ आप देखें इंसान टेक्निकली एडवांस हो रहा है इलम में एडवांस हो रहा है हर तरह का काम कर रहा है और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद बहुत सारे रेवोल्यूशन जो आए हैं पहला रेवोल्यूशन तो ये है कि इंसान ने जानवरों और प्लांट्स को डोमेस्टिकेटेड करना शुरू किया दूसरा रेवोल्यूशन ये है कि उसने टूल्स ईजाद किए हैं तीसरा रेवोल्यूशन ये है कि वो मशीन्स लेके आया है और चौथा रेवोल्यूशन ये है कि उसने कंप्यूटर की दुनिया में नाम पैदा कर लिया now let's discuss another version as to why our states formed. States were, states were first created many thousands of years ago mainly to fight wars and defend territories. today, states do more than this. they provide a form of सेंट्रल कंट्रोल फॉर पब्लिक सर्विस एंड लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ देयर सिटीजन वट इज वेलफेयर वेलफेयर से मुराद ये है कि उनको सारे राइट्स अवेलेबल हों प्रोग्रेस और ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज हो और वैसे तो एक जगह मैंने पढ़ा था कि स्टेट इसलिए बनाई जाती है शहर इसलिए आबाद किए जाते हैं ताकि इलम जो है वो एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल किया जाए और रिपब्लिक्स इसलिए बनाई जाती हैं कि इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो सबसे ऊपर आए और आकर इंटेलेक्चुअली हर चीज को डेवलप करें तो डियर स्टूडेंट्स स्टेट फॉर्मेशन जो है ये सोशल साइंसेस का सब्जेक्ट है और इसके ऊपर बहुत सी बातें जो हैं वो होती रहती हैं तो आपके सामने ये जो स्लाइड है ये बता रही है कि स्टेट फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ सेंट्रलाइज गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इन अ सिचुएशन वेयर वन डिड नॉट एग्जिस्ट प्रायर टू इट्स डिवेलपमेंट स्टेट फॉर्मेशन हैज बिन अ स्टडी ऑफ मैनी डिसिप्लिन ऑफ़ द सोशल सोशल साइंसेज फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स माई डियर स्टूडेंट्स इस स्टेट फॉर्मेशन के ऊपर आप गूगल करें आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे विकीपीडिया पढ़ें इन्वेस्टोपीडिया पढ़ें और इस तरह की दूसरी जो सोर्सेज हैं उसको पढ़ें आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट थैंक यू वेरी मच